अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कनेंस किचन। कनेंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं करेले चिकन। बहुत मजे के बनते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। करेले मैंने लिए हैं 1 किलो, उसको मैंने छील के काट लिया था और इसको 1 कप पल्प लगा के इमली का और नमक लगा के इसको 2 घंटों के लिए एक टोकरी में डाल के रख दिया था। जब उसका सारा पानी स्टेन हो गया उसको अच्छे तरीके से वॉश करके, दही जाएगी इसमें 1 कप, दूध जाएगा 1 कप, 500 ग्राम मेरे पास चिकन है, 5 मीडियम साइज के प्याज हैं, इसमें प्याज ज्यादा जाता है, 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं और 7-8 हरी मिर्चें हैं, नमक जाएगा 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, ऑयल जाएगा 2 कप, क्योंकि ऑयल इसमें इसलिए ज्यादा जाएगा कि प्याज भी फ्राई होंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें मैंने प्याज डाल दी है और मैं इसमें 2 कप ऑयल डाल दूंगी। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए, अब इसके साथ ही हम प्याज मैंने साइड्स पे कर दिया, इसके साथ ही मैं करेले डाल दूंगी। इसको भी फ्राई कर लेंगे। बाज लोग इसको अलग से फ्राई करते हैं, उसके साथ करेले जो हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, उसका साइज बहुत सिकुड़ जाते हैं और वो बिल्कुल भी आपकी डिश में मालूम ही नहीं होता कि आपने किस चीज़ की डिश बनाई हुई है किस चीज़ की नहीं। इसलिए हम करेलों को फ्राई करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। दोनों चीज़ें हमारी एक साथ ब्राउन होती जाएंगी। मैंने करेले और प्याज जो है वो मिक्स कर दिया, दोनों में यकसा कलर आ जाएगा। ये भी हो रहे हैं, इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे करेलों पे और प्याज के कलर आना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। टमाटर भी ऐड कर दूंगी। इसके ऊपर दही में मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए थे वो डाल दूंगी। सब कुछ मैंने डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर इसको कवर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा दूंगी। 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ जी। 5 मिनट हो गए और मैंने इसका ढक्कन उठाया है, ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया और अभी भी मैंने इसको मिक्स नहीं किया, सिर्फ इसको इसी तरीके के साथ हिलाएंगे थोड़ा सा। अगेन मैं इसके ऊपर इसको कवर करूंगी और रख दूंगी 10 मिनट के लिए। जी ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसका कवर उठा दिया और हमारा चिकन भी कुक हो चुका है और पानी भी जो है ऑलमोस्ट सब डन हो चुका है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से और जो दूध था वो भी डाल दूंगी मैं। दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी। मसाला से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह
माशाल्लाह से आप इसके कलर भी देखें, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। देखिए माशाल्लाह से आप इसके कलर देखें। इसको मैं 5 मिनट तक और भूनूंगी। आपने ग्रेवी चिकन बहुत दफ़ा बनाया होगा लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज जो हैं वो कैसी लग रही हैं। जी ये हो गया और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, कितना अच्छा लग रहा है। ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, मैं इसमें ही कढ़ाई में ही इसको डिश आउट करूँगी और मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा ग्रेवी गोश्त तैयार हो गया और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जी ये देखें, मैंने इसको कढ़ाई में ही डिश आउट किया और आप इसकी लुक देख लें माशाल्लाह से, ये कितना अच्छा बना है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनान किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।